Sri Sukhendu Singh Roy. Thank you, sir. ये जो बिल लाया गया, इसमें बताया गया कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी वो कलेजिया में रहेगा. आइडियल सिचुएशन तो ये होती कि अगर ये प्रावधान रखा जाता कि देयर इज नो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एज सच इन द हाउस ऑफ द पीपल, देन द लीडर ऑफ द काउंसिल should be present in the collegium. Yes, better hota, ye ideal situation hota. Why Rajya Sabha should be ignored all the time? Ab dekhiye Prime Minister normally, Prime Minister is the leader of the Lok Sabha normally. Pichle 10 saal nahi hua, lekin jyada samay tak azadi ke baad Prime Minister leader of the House Lok Sabha. Ab Lok Sabha ka virodhi neta, अगर विरोधी नेता नहीं रहता है तो लार्जेस्ट पार्टी का नेता तो दो जाएगा लोकसभा से, राज्यसभा रिप्रेजेंटेड नहीं होगा. मेरे ख्याल से ये कमियां हैं और इस कमियां को कैसे दूर करनी है अगले दिनों इसको इस बारे में सरकार को सोचनी है. मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ इस बिल को. अगर सबको इसको समर्थन है, मैं भी समर्थन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है. लेकिन जो लार्जर इश्यू नरेश जी ने उठाया, इसको भी सरकार को ध्यान देना है. मुझे याद आ रहा है श्री अरुण जेटली जी हमारे देश के नहीं बल्कि विश्व की माने हुए कानूनी हस्ती है और वो हमारे लीडर भी है इस सदन के. इनको पास मैं उनको उनका एक चिट्ठी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था, मुझे याद आ रहा है. जबकि भूतपूर्व मुख्यमंत्री गुजरात की और गुजरात की दूसरे मंत्री को सीबीआई ने समन किया था, पूछताछ कर रहा था, कार्रवाइयां कर रहा था, चला रहा था, तो उस समय ने एक चिट्ठी अरुण जेटली जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखा था और उन्होंने खास करके ये इल्जाम लगाया कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज नो prosecutable evidence, I quote from his letter, this particular two words, in spite of the fact that there is no prosecutable evidence against the honorable chief minister and the other transport minister, some other minister, the CBI has taken steps with a political motivation. This is equally true in case of Sinjoy Bose, honorable member of this house belonging to my party. He was summoned as a witness to give evidence. His name is not in the charge sheet. After summoning him as an evidence, CBI has arrested him, not under the instructions of the government. I am not saying so, because CBI is working under the instructions of the Supreme Court. But who will police the police? This is the question. CBI ko mahan bana rahe hain. कोई बता रहे थे अभी अजय जी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सीबीआई इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. इवन इट्स स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड सैंक्शन हैज बीन चैलेंज्ड, हैड बीन चैलेंज्ड इन गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट रूल्ड दैट सीबीआई डज नॉट हैव एनी लीगल सैंक्शन एंड द मैटर इज नाउ पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट. व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग अप विथ अ सेपरेट लेजिस्लेशन for this organization? Why under the umbrella of a 46 act, even after a division bench of a high court has ruled that there is no legal sanctity behind it? The way CBI is being used days in and days out as a part of political vendetta against the opposition, it is a shame on the part of the organization for two or three people. The organization should not be defamed. Director has been described by the Honorable Supreme Court as a case parrot. As a case parrot, one or two officers, high level officials, meeting the accused days in and days out at his residence. Aur Sina thokke bol raha hai ki jo kuch maine kiya wo maine official duty kiya. Kya ho raha hai desh mein?
इस सीबीआई को नियंत्रित करना है और नियंत्रित इसलिए नहीं करना है कि विरोधी को कंठ रोध करो, इसको नियंत्रित इसलिए करना है कि तुम कानूनी रास्ते पे चलो ताकि जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए, उसको खिलाफ कार्रवाई उठाई जाए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप ध्यान दीजिए। जिस तरह हमारा मेंबर को आज ग्रिल किया जा रहा है, कल आपको ऊपर भी ये हो सकता है जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, कोई परमानेंट नहीं है, 5 साल के लिए आप आए हैं, कोई नहीं बोल सकता अगले 5 साल आप फिर वापस आएंगे कि नहीं वापस आएंगे, ये जनता तय करेंगे। Therefore, sir, my humble submission that why this amendment can be taken up and passed by the honorable members, I request the honorable members, but I would request the government once again to look into the entire episode, how the about the functioning of the CBI, particularly keeping in mind the instructions of the honorable Supreme Court in Vineet Narayan case. How much authority, autonomy, how much autonomy should be given to CBI? Whether CBI should be under the control of the personal department of the central government or CBI will work independently under the monitoring of Central Vigilance Commission or some other mechanism would be evolved. That is for the government to consider. This is my humble submission. Thank you, sir. Thank you, Mr. Roy. Thank you.